मित्रों नमस्कार। हम लोग अतिथि शिक्षकों के पक्ष में जो ऐतिहासिक आंदोलन करना चाहते हैं, उस संदर्भ में मैं अपने मन की बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, समय कम है। हम कुछ साथियों ने मिलकर 13 फरवरी को जिला स्तर पर तथा 21 फरवरी को भोपाल में अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का ऐलान जंग किया है। अब यह कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए सभी समूहों का एकत्र होना बहुत आवश्यक है। यदि हम लोग एक नहीं हुए तो कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उसका सपना यही रहता है कि कैसे भी करके विरोध को थामा जाए। अगर विरोध नहीं थम रहा तो वे ये देखते हैं कि कौन सा गुट इसमें ज्यादा एक्टिव है, उस गुट को तोड़ा जाए, इन साथियों को तोड़ दिया जाए, इन लोगों को भ्रमित कर दिया जाए, इन लोगों की एकता को खंडित कर दिया जाए, ताकि सरकार भारी पड़ जाए और बाद में माननीय नेताओं को यह कहने का मौका मिल जाए कि आप लोगों में ही एकता नहीं है तो हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से हमारे कई साथी अतिथि शिक्षक के रूप में, हमारे कई भाई बहन अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं पूर्ण समर्पित भाव से दे रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परिणाम भी दिया है, मेहनत की है, उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का किसी सरकार से कोई विरोध भी नहीं है, कर्मचारी किसी सरकार का नहीं होता, ये माननीय नेताओं को समझ लेना चाहिए। जो सत्तारूढ़ दल की सरकार होती है उसी के पक्ष में कहीं ना कहीं कर्मचारियों को रहना पड़ता है, लेकिन जब शोषण की पराकाष्ठा हो जाए, जब शोषण हद से अधिक मात्रा में हो जाए, जब शोषण अपनी सारी हदें पार कर जाए, तब आक्रोश स्वाभाविक है। मैं सभी अतिथि शिक्षक साथियों के माननीय नेताओं से, जिन्होंने अभी तक संघर्ष किया है अतिथि शिक्षकों के पक्ष में, मैं सभी गुटों का, सभी समूहों का, सभी संगठनों का हृदय से आभारी हूँ। एक बात बहुत भावुक मन से निवेदन कर रहा हूँ, अभी हम सब एक हो जाए ताकि आने वाले समय में सरकार को यह कहने का मौका ना मिले कि आप लोग एक नहीं थे इसीलिए आपका काम नहीं हुआ। आप याद करिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ की बारात में क्या नर क्या नारी, क्या भूत क्या प्रेत क्या पिशाच, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या डाकनी लंकनी शाकनी पिशाचनी, क्या